नहीं है आपके पास, क्या रिकॉर्ड करते हैं आप? हाँ, दिन भर बैठना पड़ेगा आपके यहाँ वीडियो बनाने के लिए? आपका यहाँ का जो कारनामा है दिखाने के लिए पूरा दिन बैठना पड़ेगा? नाम क्या है आपका? इधर आइए, हम आपके यहाँ पहली बार नहीं आए हैं, आपके कारनामे को इससे पहले भी हम दिखा चुके हैं आपके यहाँ का। क्या नाम, क्या है नाम बताइए ना अपना, आप नाम बताइए आपका। ओ भैया नाम बताइए, समय नहीं, क्या नाम हुआ आपका? पीयूष कुमार जी, मैनेजर हैं आप यहाँ पर, सारा कुछ देख रेख करते हैं आप। आपके पास नहीं है ना कंप्लेन रजिस्टर? कितना देर बैठना पड़ेगा, हम दो घंटा बैठे हैं? ना ही आपके यहाँ कंप्लेन रजिस्टर है। इसके अलावा आपने जो चेक किया थर्मामीटर, इसमें भी आप बता रहे हैं कि भाई गर्मी है ठंडी है, पानी में दिया नहीं, ये भी आपका सही नहीं है, ये भी सही नहीं। ना ही आप बिल दिए हम लोगों को, उसके अलावा आपका डेंसिटी भी आप नहीं दिखाए वहाँ पर, जो कंप्यूटर खराब है। ये देखिए स्थिति है पेट्रोल पंप का, हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर लोगों को, आम जनता को मूर्ख बनाया जाता है, हर दिन लोगों को मूर्ख बना के पैसा लूटा जाता है यहाँ पर। अब बताइए कि जो दिन भर में 2,000-3,000 का जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, जो 5,000-10,000 का तेल डलाता होगा, उनके साथ क्या होता होगा? आप लोग अनुमान लगाइए किस तरह से उसके साथ धोखाधड़ी ठगी होता होगा, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। भैया यहाँ पर डेंसिटी नहीं बता रहा, ना ही बिल दे रहा है, कई दिनों से बिल ख़राब है। उसके अलावा हमने 1500 रुपये का डीजल डलाया और ये बिल नहीं दे रहा, डेंसिटी नहीं बता रहा, क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं दे रहा, बोल रहा मशीन ख़राब है। अच्छा ये मशीन ख़राब है, जिम्मेदारी किसकी है? मशीन ख़राब है तो मालिक की है ना, नहीं देने को तैयार है। ये हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, और ये भारत पेट्रोल पंप है जो कि श्रीनगर में है, जगेली चौक पर है, और हम लोगों ने अभी यहाँ पर डलाया था, और ये वही मशीन है जहाँ पर कि बताया जा रहा है कि ये मशीन ख़राब है। और हम लोगों ने यहाँ के जो मैनेजर है उनसे संपर्क किया, और आपको बता दें कि यहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर भी इन लोगों के पास नहीं है, और कुछ भी नहीं, कैसे ये लोग चला रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है। तेल निकालिए आप। अच्छा हमको कंप्लेन रजिस्टर दिखाइए, दिखाइए आप, खोलिए खोलिए आप, दिखाइए कितना कंप्लेन हुआ है 2-3 दिन के अंदर, कहाँ कहाँ हुआ। करंट का दिखाइए तो हमको, करंट का दिखाइए ना, अरे एक महीना का दिखाइए ना, 10 दिन का दिखाइए ना, 10 दिन का आप दिखाइए ना हमको। 10 दिन पहले कोई कंप्लेन किया होगा ना, 20 दिन पहले किया होगा ना, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, कोई नहीं किया, मतलब कोई समस्या आपके यहाँ है ही नहीं। 15-3-24 का। हाँ क्या कंप्लेन, क्या कंप्लेन है, देखिए तो आप उसमें बोलिए। अब जब उसके अलावा हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए एक बार यहाँ पर देखिए, जो दर तालिका है जो पर डे अपडेट होता है यहाँ पर, अब देखिए कि ये 23/9/2024 अपडेट किया गया, और कई दिनों से अपडेट नहीं हुआ, जो रेट देख रहे हैं ये कई, जबकि ये नियम कहता है कि हर दिन अपडेट होना चाहिए, लगभग हर दिन अपडेट होना चाहिए, इसके बावजूद भी अपडेट क्यों नहीं आई है? 23/9 है, अच्छा आज का है ये आपका, चलिए ये आज का आपका है, इसके अलावा आपका कंप्लेन में कुछ नहीं है, करंट में हाँ। चलिए आप तेल निकालिए तो उससे, गाड़ी से तेल बाहर करिए, आप निकालिए बाहर तो, आप यहीं के हैं भैया? अरे अच्छा क्या कहिएगा, देखिए हमने 1500 रुपये का डीजल डलाया है गाड़ी में, डेंसिटी कुछ नहीं है, बिल देने से मना कर रहा। अच्छा ये आज का मामला नहीं, कल हमने डलाया, कल भी बोला बिल नहीं देंगे, खराब है मशीन, तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है बिल देने का? पंप का होता है ना, हम अगर उसको 200 रुपये कम देंगे तो मानेगा? और वो बिल नहीं देके पर डे कई दिन से ठग रहा है, क्या कहिएगा भैया? भाई साहब गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है? पेट्रोल पंप पे गलत हो रहा है ना? हाँ चलिए आइए तेल निकालिए तो, आप निकलवाइए तेजी में, तेल निकलवाइए आप। दिखाइए आप, आइए तो। इस तरह का जो है ना पेट्रोल पंप पे खेला चलता है भाई, ना बिल मिलेगा आपको, ना डेंसिटी दिखाएगा, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, चेक करिए आप।
बिल का समस्या है, कल भी आप लोगों ने बिल नहीं दिया। कल तो बिल दे रहे थे, हम खुद मशीन चला है, वो कल भी बिल नहीं मिला, कल भी बिल नहीं मिला है। आज रोल खत्म हो गया था, आज हम मान रहे हैं कि बिल आज सुबह से नहीं दे रहा है। देखिए भैया, क्या है ना, कस्टमर अगर आपको पैसा दे रहा है तो वो आपके आपके यहाँ क्या खराब है, क्या काम नहीं कर रहा, वो हम नहीं सुनेंगे। सुविधा चाहिए। कहाँ से देख रहे हैं आप? ये पॉइंट है। हाँ, समझाइए हमको। ये जो हाइड्रोमीटर में है मेरा, बोला ना तुम्हें कर देखिए वहाँ। ये 10 काउंट हो रहा है सर, ये 10 के बाद ये स्मॉल वो स्मॉल छोटा वाला लकीर है, वो 5 काउंट करते हैं उसको। अच्छा, 5 काउंट करते हैं। 10.5 हो गया, उसके बाद वो नीचे बड़ा वाला लकीर जो है वो हो गया मेरा 11। अच्छा, 11, 12, 13 इसी तरह जाता है सर। अच्छा, ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे दिखाइए इसमें आप। ये हम 800 से इसको काउंट करते हैं। ये पेट्रोल का होता है, पेट्रोल का 700 से स्टार्ट होता है, डीजल अच्छा। का 800 से स्टार्ट होता है। अच्छा, आप जो भी जानकारी दे रहे हैं सही दे रहे हैं ना? हाँ, तो ये आप यहाँ पे चार्ट भी देख सकते हैं, हम डेंसिटी से चेक करते हैं। जैसे कि ये मेरा पेट्रोल का हो गया। अच्छा, पेट्रोल का मेरा एक्सट्रैक्ट, आप डीजल का दिखाइए, हमने जो डलाया है वो दिखाइए आप। ठीक है, ये हम इसमें अब टेम्परेचर इसका देख लेते हैं। आइए एक बार, आइए देखिए। इसका सर टेम्परेचर है 36, 37। ये यहाँ पे आया मेरा, ये 35, ये 36, ये 37। आप तो चलाए ठीक है, ये 35 है ना जी, 35, 36, 37 नहीं है, 35, 36, 37। दिखाइए 37, ये आपका हो गया 811। उसको निकालने के बाद वो घट जाएगा, निकालने के बाद भी 37 है। देखिए वो झोले छाप डॉक्टर है, हो कहाँ हुआ, दिखाइए एक बार, निकालने के बाद भी 37 है। अब क्या कहेंगे आप बताइए, जल्दी लाइए, तेजी में लाइए आप। अच्छा, आपके यहाँ कंप्लेन रजिस्टर्ड है, दिखाइए, कंप्लेन करेंगे रजिस्टर दिखाइए। देखिए तो पानी में भिगाने के बाद, लाए ठंडा करने के बाद। कहाँ है? 35 पे आया है। दिखाइए आप रजिस्टर, दिखाइए कंप्लेन रजिस्टर, दिखाइए कंप्लेन रजिस्टर, दीजिए कंप्लेन करेंगे। नहीं सुनते चलिए। अब ये देखिए कि भारत पेट्रोल पंप का ये हाल है, जो कि श्रीनगर जगेली चौक पर है, और हम सब यहाँ पर चेक भी करवाए डेंसिटी, लेकिन कुछ अता पता जो इसका मीटर है, थर्मामीटर जिसमें ये चेक करते हैं,
और प्रॉपर तरीके से ये भी नहीं बता रहा है। हाँ, जब इन्होंने चेक किया तो 37 बता रहा था, इसके बाद बोला कि भाई गर्मी बहुत है, निकालने के बाद ही हाँ ठंडा में दीजिए, ठंडा में पानी में भिगा के लाया, फिर भी स्थिति वैसे ही है। मिला आपको रजिस्टर, कंप्लेन रजिस्टर है या नहीं है? सुनिए, समय नहीं है, उतना देर हम लोग वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। है तो दीजिए, नहीं है तो वो बोलिए, सीधा सीधा बोलिए, खोजना नहीं है। कंप्लेन रजिस्टर दिखाइए आप, और ये आपके यहाँ का पहला समस्या नहीं है, जल्दी दिखाइए, फास्ट में दिखाइए। नहीं, कंप्लेन रजिस्टर आप इतना अंदर रखते हैं, हैं? आप सीधा सीधा बोलिए, नहीं है। आपके यहाँ क्या पूरा दिन बैठना पड़ेगा? 5 मिनट हो गया और कंप्लेन रजिस्टर बार बार हम आपसे पूछ रहे हैं। कंप्लेन रजिस्टर टेबल पर रखता है, लोग आए कस्टमर जो कंप्लेन उनका कंप्लेन लिखेगा। चलिए आइए, मिल जाएगा आपको आज। नहीं है आपके पास, क्या रिकॉर्ड करते हैं आप? चलिए, दिन भर बैठना पड़ेगा आपके यहाँ वीडियो बनाने के लिए? आपका यहाँ का जो कारनामा है दिखाने के लिए पूरा दिन बैठना पड़ेगा? नाम क्या है आपका? इधर आइए, हम आपके यहाँ पहली बार नहीं आए हैं, आपके कारनामे को इससे पहले भी हम दिखा चुके हैं आपके यहाँ का। क्या नाम, क्या है नाम बताइए ना अपना, आप नाम बताइए आपका। ओ भैया, नाम बताइए, समय नहीं, क्या नाम हुआ आपका? पीयूष कुमार जी, मैनेजर हैं आप यहाँ पर, सारा कुछ देख रेख करते हैं आप। आपके पास नहीं है ना कंप्लेन रजिस्टर? सर है मेरे पास। कितना देर बैठना पड़ेगा? हम 2 घंटा बैठे हैं, ना ही आपके यहाँ कंप्लेन रजिस्टर है। इसके अलावा आपने जो चेक किया थर्मामीटर, इसमें भी आप बता रहे हैं कि भाई गर्मी है ठंडी है, पानी में दिया नहीं, ये भी आपका सही नहीं है, ये भी सही नहीं। ना ही आप बिल दिए हम लोगों को, उसके अलावा आपका डेंसिटी भी आप नहीं दिखाए वहाँ पर, जो कंप्यूटर खराब है। ये देखिए स्थिति है पेट्रोल पंप का, हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर लोगों को, आम जनता को मूर्ख बनाया जाता है, हर दिन लोगों को मूर्ख बना के पैसा लूटा जाता है यहाँ पर। अब बताइए कि जो दिन भर में 2000-3000 का जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, जो 5000-10000 का तेल डलाता होगा, उनके साथ क्या होता होगा? आप लोग अनुमान लगाइए किस तरह से उसके साथ धोखाधड़ी ठगी होता होगा, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। भैया यहाँ पर डेंसिटी नहीं बता रहा, ना ही बिल दे रहा है, कई दिनों से बिल ख़राब है। उसके अलावा हमने 1500 रुपये का डीजल डलाया और ये बिल नहीं दे रहा, डेंसिटी नहीं बता रहा, क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं आप? क्यों बिल नहीं देने के कारण नहीं दे रहा है, बोल रहा मशीन खराब है, मशीन से खराब है। अच्छा, ये मशीन खराब है, जिम्मेदारी किसकी है? मशीन खराब है तो मालिक की है, मालिक की है ना, नहीं देने को तैयार है। ये हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, और ये भारत पेट्रोल पंप है जो कि श्रीनगर में है, जगेली चौक पर है, और हम लोगों ने अभी यहाँ पर डलाया था, और ये वही मशीन है जहाँ पर कि बताया जा रहा है कि ये मशीन ख़राब है। और हम लोगों ने यहाँ के जो मैनेजर है उनसे संपर्क किया, और आपको बता दें कि यहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर भी इन लोगों के पास नहीं है, और कुछ भी नहीं, कैसे ये लोग चला रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है। तेल निकालिए आप। अच्छा, हमको कंप्लेन रजिस्टर दिखाइए तो, दिखाइए आप, खोलिए खोलिए आप, दिखाइए कितना कंप्लेन हुआ है 2-3 दिन के अंदर, कहाँ कहाँ हुआ। करंट का दिखाइए तो हमको, करंट का दिखाइए ना, अरे 1 महीना का दिखाइए ना, 10 दिन का दिखाइए ना, आप 10 दिन का आप दिखाइए ना हमको, 10 दिन पहले कोई कंप्लेन किया होगा ना, 20 दिन पहले किया होगा ना, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, कोई नहीं किया है, मतलब कोई समस्या आपके यहाँ है ही नहीं। 15/3/24 का, हाँ क्या कंप्लेन, क्या कंप्लेन है देखिए तो आप उसमें बोलिए। अब जब उसके अलावा हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए एक बार यहाँ पर देखिए, जो दर तालिका है जो पर डे अपडेट होता है यहाँ पर, अब देखिए कि ये 23/9/2024 अपडेट किया गया, और कई दिनों से अपडेट नहीं हुआ, जो रेट देख रहे हैं ये कई, जबकि ये नियम कहता है कि हर दिन अपडेट होना चाहिए, लगभग हर दिन अपडेट होना चाहिए, इसके बावजूद भी अपडेट क्यों नहीं आई है? 23/9 है, अच्छा आज का है ये आपका, चलिए ये आज का आपका है, इसके अलावा आपका कंप्लेन में कुछ नहीं है, कंप्लेन करंट में, कंप्लेन देखिए सर, कंप्लेन हाँ, चलिए आप तेल निकालिए तो, उससे गाड़ी से तेल बाहर करिए, आप निकालिए बाहर तो, आप यहीं के हैं भैया, अरे अच्छा क्या कहिएगा, देखिए हमने 1500 रुपए का डीजल डलाया है गाड़ी में, डेंसिटी कुछ नहीं है,
बिल देने से मना कर रहा। अच्छा, ये आज का मामला नहीं, कल हमने डलाया, कल भी बोला बिल नहीं देंगे, खराब है मशीन। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है बिल देने का? पंप का होता है ना। हम अगर उसको 200 रुपये कम देंगे तो मानेगा? और वो बिल नहीं देके पर डे कई दिन से ठग रहा है, क्या कहिएगा भैया? भाई साहब गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है? मीटर तो उसको निकलना चाहिए, पेट्रोल पंप पे गलत हो रहा है ना? इसमें उसको भेजना था, जहां मीटर निकल रहा था वहां तेल निकालो। चलिए आइए, तेल निकालिए। तो आप निकलवाइए, तेजी में तेल निकलवाइए। आपके पास यहाँ की जिम्मेदारी है, हमने अगर आपके यहाँ से पेट्रोल डीजल कुछ भी डलाया, अगर हम बोले भैया 200 रुपये नहीं है मेरे पास, परसों पहुँचा देंगे, आप दीजिएगा नहीं दीजिएगा, वो मेरा प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या समस्या है वो आपका प्रॉब्लम है। आप इसमें क्या डाले नहीं डाले हमको पता है? कैसे पता चलेगा कि आप पेट्रोल डाले, डीजल डाले, पानी डाले, किरासन डाले, क्या डाले आप हमको कंप्यूटर पर दिखाइए। अगर मशीन ख़राब है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक नहीं करा रहे वो आपका परेशानी है। हम आपका रोना सुनने, हम आपका रोना सुनने के लिए नहीं बैठे हैं ना, बस ये चीज़। ये आपका पहली बार मामला नहीं है, जो समस्या ये हम ओनर को दो हाँ। बार को दो बार इस चीज़ के लिए हम बोले हुए हैं, उनको दो बार इस चीज़ के लिए बोले हैं, उसको नहीं कर रहा। हाँ, उनको बोले तो बोला कि आप इसमें इनपुट करवाइए, हम इसका पासवर्ड हमको नहीं पता, ऊपर से बिल भी नहीं दे रहे हैं, बोल रहे बिल खराब है। बिल खराब नहीं है। हाँ, बिल खराब नहीं है। बताइए, हम लोग इस वक्त भारत पेट्रोल पंप पे हैं, जो कि श्रीनगर में है, जगेली चौक पर, और हम लोग यहाँ पर डीजल डलवाए थे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है यहाँ पर, जहाँ से डाला जाता है, यहाँ पर ना ही डेंसिटी बताता है और ना ही ये लोग बिल देने के लिए तैयार। इनका कहना हमारा मशीन गड़बड़ है, दिखता ही नहीं है, शो नहीं कर रहा, जीरो दिखा रहा है, इसमें डेंसिटी शो नहीं कर रहा है, मशीन को ऑटोमेशन से खोल दिया गया है, मैनुअली चल रहा है, तो चलाना ही नहीं चाहिए। उस दिन हम बोले भी इसमें डेंसिटी शो नहीं कर रहा है, तो उनका बोले क्या इसमें इनपुट करना पड़ेगा, तो पासवर्ड पूछे, बोले कि हम मिस्त्री से पूछना पड़ेगा पासवर्ड के बारे में, तो पासवर्ड इनका बताया नहीं, तो इसमें डेंसिटी इंक्लूड नहीं हुआ। बिल देते जब हमको रोल का अभी जो है कि कल क्या समस्या है यहाँ पर? अभी हम लोग घूम रहे थे, पच्छेदर से आए तो देखे कि यहाँ पे भारत पेट्रोलियम है, हम यहाँ पे आए तेल लेने के लिए, तेल लिए तो अचानक क्या कहता है मीटर पर नज़र पड़ा तो डेंसिटी जीरो दिख रहा था, उनको बोले ठीक है भाई आप हमको बिल दे दीजिए, तो बिल भी ये देने से इनकार कर रहे हैं कि बिल हम नहीं दे पाएंगे। भाई आप जब बिल नहीं दे रहे हैं, डेंसिटी आपका जीरो, तो आपने मेरे गाड़ी में भाड़ा किया डाला क्या? कितना का आप डीजल डलवाए? 1500 का डीजल डलवाया। 1500 का बिल मिला आपको? बिल तो वही बिल, बिल भी नहीं दे रहा, डेंसिटी भी आपको पता नहीं है। कल भी तेल दिया 980 रुपए का, गाड़ी चला मात्र 140। कल आपने डलाया था? कल भी यहाँ से लिए? कल भी तेल लिए, गाड़ी ऐसे भी तेल लिए, जान के तेल यहाँ पे लिए कि कल भी बिल नहीं दिए? कल भी बिल नहीं मिला? कल भी डीजल आपके यहाँ से लिए? नहीं मिला, कल भी बिल नहीं मिला। ये तो आपके पास आज जान के भराने आए ना? कल हम लिए 11-12। 900 का तेल लिए, मेरा गाड़ी 18 का माइलेज दे रहा है, 90 किलोमीटर गाड़ी चली हमारी, नहीं बिल नहीं दिया। अच्छा, हमको जवाब दे दीजिए कि आप क्या समस्या है यहाँ पर, बताइए, जवाब चाहिए आपसे। समस्या कुछ नहीं है सर। हाँ, फिर डेंसिटी क्यों नहीं दिख रहा है आपके यहाँ? डेंसिटी सर हम बोले ना, हमारा मशीन मैनुअल में है अभी, मिस्त्री आया था, मिस्त्री चेकअप करके गया है, ठीक है, आपको विश्वास नहीं है तो मशीन आप चाबी नहीं, 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 नहीं दिखा, हम मौखिक रूप से विश्वास क्यों करेंगे, आप हमको दिखाइएगा ना, आप हमको डेंसिटी चेक करके दिखा देते हैं आपको, इस पर आप अप्रूव है ना कि हाँ चेक करके आपको दिखा रहे हैं हम, ये चीज़ तो मान सकते हैं ना, दिखाइए आप हाइड्रोमीटर चेक करके दिखाइए लेके आओ।